मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सेंटर को 4 वीक का समय दिया गया था ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो लिमिट थी उसको रिव्यू करने के लिए, तो ये काफी लंबा समय है और काउंसलिंग इसी के रिगार्डिंग रुकी हुई है, यानी कि अभी काउंसलिंग तभी स्टार्ट होगी, कोई ना कोई इसके बारे में जजमेंट हो जाएगा। तो इन सब को देखते हुए, काउंसलिंग काफी डिले होने के कारण को देखते हुए, काफी सारे डॉक्टर्स ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया था और 27 नवंबर से स्ट्राइक करने का ऐलान भी किया था उन्होंने। इसी बीच एक थोड़ी आशा की किरण यह नजर आ रही है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि इसके बारे में अभी 4 वीक का समय नहीं लगेगा, इसको हम आने वाले वेडनेसडे तक इसके बारे में कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे, इसके आने वाले वेडनेसडे तक इसको हम क्लियर कर देंगे। तो अगर इसमें सेंटर आने वाले वेडनेसडे तक इसके बारे में कोई क्लियरिटी दे देता है तो इसकी कोर्ट में जल्दी हियरिंग हो सकती है, हियरिंग पहले भी हो सकती है, रिक्वेस्ट करने से ये हियरिंग पहले भी हो सकती है और काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट हो सकती है। तो अभी हमें एक आशा की किरण ये जगी है कि ये काउंसलिंग जल्दी होने की संभावना है, क्योंकि ये अगर वेडनेसडे तक सेंटर इसके बारे में कोई डिसीजन दे देता है तो सुप्रीम कोर्ट में इसकी जल्दी सुनवाई होके काउंसलिंग जल्दी स्टार्ट हो सकती है। अभी 30 नवंबर को जो क्वेश्चन पेपर में एरर था उसके रिगार्डिंग भी हियरिंग है, तो देखते हैं क्या डिसीजन रहता है। जैसा भी डिसीजन रहेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।